आज हम बनाएंगे तिल की बर्फी। और तिल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सफेद तिल लिए हैं, 1 टेबल स्पून काजू लिए हैं गार्निश करने के लिए, 1 टेबल स्पून घी और 20 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है। तो चलिए बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें तिल डाल देंगे और इसे हल्का क्रंची होने तक भूनेंगे। ये अच्छे से भून चुका है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ये जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीस लेंगे। इसे हमें ड्राई पीसना है। इसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक इसी तरह लगातार चलाते रहना है। तिल का पाउडर यहाँ पीस के तैयार हो चुका है। अब ये पाउडर हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसी तरह लगातार चलाते हुए इसे 10 से 15 मिनट तक भूनना है। ये लगभग भून चुका है। अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने तक इसे भूनेंगे। इसे लगातार चलाते रहना है जब तक ये डो का शेप ना लेने लगे। ये अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इस प्लेट में हल्का घी लगा लिया है। तो गुड़ वाले तिल के बर्फी तैयार हैं। इसे इस तरह से फैला लेंगे और अब इसे ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करके इसी तरह खा सकते हैं, या फिर इसे पूरी तरह से ठंडा करके इसके पीसेस कट कर लें और फिर इंजॉय करें।